हेलो एंड वेलकम ऑल ऑफ यू, आई एम डॉक्टर वरुण वासेल और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे सर्वाइकल डिस्क बल्ज के बारे में, यानी कि C4, C5, C5, C6, C6, C7। इस तरह से अगर आपकी MRI में है डिस्क बल्ज लिखा हुआ है, डिस्क प्रोट्रूजन लिखा हुआ है, डिस्क एक्सट्रूजन लिखा हुआ है, सर्वाइकल का मतलब सी, तो सी में कहीं पर भी आपको डिस्क बल्ज हुआ है तो वो सर्वाइकल डिस्क बल्ज है। आपने देखा होगा कि लंबर स्पाइन यानी कि L4, L5, L5S1, उस पर मेरे काफ़ी वीडियोज़ बने हुए हैं लो बैक पेन सियाटिका के बारे में। लंबर स्पाइन में डिस्क बल्ज होती है, कंप्रेशन होती है, तो लोगों ने कहा कि काफ़ी लोगों ने रिक्वेस्ट किया कि आप सर्वाइकल डिस्क बल्ज के बारे में भी बताइए। तो सर्वाइकल डिस्क बल्ज के बारे में हम बात करेंगे कि वो किस तरह से डिस्क बल्ज होता है, क्या सिम्टम आते हैं उसके और उसको किस तरह से ट्रीट किया जाता है। तो सबसे पहले चलते हैं कि सर्वाइकल डिस्क बल्ज के सिम्टम क्या होंगे। जब आपको नेक में पेन शुरू हो जाए, नेक के बाद आपका पेन ये शोल्डर ब्लेड, यहाँ पे हमारा शोल्डर ब्लेड होता है, यहाँ पे स्कैपुलर एरिया में शुरू हो जाए, उसके बाद आर्म में जाना शुरू हो जाए, तो इसको हम कहते हैं ये नर्व कंप्रेशन हो रही है, ये सीवियर फॉर्म ऑफ डिस्क बल्ज होती है। अब एग्जांपल के तौर पे जैसे ये लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि मुझे यहाँ पे पेन हो रही है, उसके बाद बैक में पेन हो रही है, तो ये इंटरलिंक्ड है। वो क्या सोचते हैं कि बैक वाला पेन ही ऊपर की तरफ जा रहा है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं होता। आप नोट कीजिए, जब बैक में पेन होगा तो वो यहाँ होगा, उसके बाद बटक में होगा, उसके बाद लेग में जाएगा, जिसको हम बोलेंगे सियाटिका हो रहा है। इसी तरह से अब मान लीजिए ये हमारा नेक है, इसके बाद इसको समझ लीजिए बटक है। अगर ये लंबर स्पाइन हम इसको मान दें, वैसे तो सर्वाइकल स्पाइन है, आपको इंटररिलेट करके बता रहा हूँ, यहाँ का पेन, नेक का पेन इस स्कैपुलर एरिया में होगा, अपर बैक शोल्डर, उसके बाद ये जाएगा आर्म में। जैसे हमारा लंबर स्पाइन का पेन बैक से लेके बटक, बटक से लेके लेग में जाता है, तो ये सेम उसी तरह का रूट फॉलो करता है। पर ये कभी भी ऐसा नहीं सोचना कि मेरा पेन नीचे से ऊपर आ रहा है, दो पेन अलग अलग एक ही टाइम पे एक ही पेशेंट को हो सकते हैं, इसको हम कोइंसिडेंस बोलते हैं कि उसको एक ही बार लंबर स्पाइन में भी पेन हो रहा है सेम ही लेग में, और सेम टाइम पे उसको अपना नेक से लेके आर्म में पेन हो रहा है सेम साइड पे सेम टाइम पे। तो इसमें हमने कभी भी कंफ्यूज नहीं होना, ये कोइंसिडेंस है, दोनों का ट्रीटमेंट डिफरेंट होगा, एक्सरसाइज डिफरेंट होगी। कभी ये नहीं सोचना कि नीचे वाला पेन ऊपर की तरफ चला गया, काफ़ी लोग ऐसे ही सोचते हैं। तो ये तो थे सिम्टम हमारे सर्वाइकल डिस्क बल्ज के। अब ये ज़रूरी नहीं है कि हमारी पेन आर्म में जाए, हाथों में जाए, नमनेस आए, वीकनेस आए, ये कोई बात ज़रूरी नहीं है। हो सकता है उसका पेन सिर्फ नेक में रहता हो सकता है उसका पेन सिर्फ ये शोल्डर ब्लेड में रहता हो। बहुत अलग केसेस ऐसे भी होते हैं जिसका पेन शोल्डर ब्लेड से आगे फ्रंट चेस्ट उसका बहुत टाइट हो जाता है, चेस्ट की तरफ भी पेन आता है। वो मोस्टली वो पेशेंट्स होते हैं जो ज़्यादा लैपटॉप पे या कंप्यूटर पे काम करते हैं, पोस्चर उनका प्रॉब्लम होता है, MRI करवाने जाते हैं तो उसमें डिस्क बल्ज दिख जाता है, उनको लगता है डिस्क बल्ज की वजह से पेन आगे को आ रहा है, जबकि ऐसा नहीं होता। तो जिनका पेन तो अपर सर्वाइकल यानी कि C2, C3, C3, C4 तक रहता है, उनका पेन नेक या इस सर्वाइकल, ये जो हमारा ट्रेपीजियस एरिया है, यहाँ तक रहता है। जिनका लोअर सर्वाइकल जिसमें C4, C5, C5, C6, C6, C7 आता है, उनका पेन आर्म में जाता है या स्कैपुलर एरिया में जाता है, रेडिएशन होती है। तो जिस तरह से हम लंबर स्पाइन का ट्रीटमेंट करते हैं, उसी तरह से सर्वाइकल स्पाइन के भी ट्रीटमेंट में काफ़ी चीज़ें आपको कोरिलेट करेंगी। जैसे लंबर स्पाइन में हम लगा लेते हैं बेल्ट, उसी तरह से काफ़ी लोग क्वेश्चन पूछते हैं क्या मुझे सर्वाइकल कॉलर लगा लेना चाहिए। अगर तो आपका पेन शूटिंग पेन है और रेस्ट पे भी पेन हो रहा है, गर्दन एक तरफ मूवमेंट इधर इधर करने में पेन हो रहा है, चक्कर आ रहे हैं, कई बार चक्कर भी आते हैं पेशेंट को, तो उसमें हमें सर्वाइकल कॉलर लगाना होता है जैसे हम लंबर स्पाइन की बेल्ट लगाते हैं। तो मैं सिर्फ कोरिलेट करने के लिए बता रहा हूँ, ये नहीं है कि जब अगर मैंने बेल्ट का बोल दिया तो आपने बेल्ट भी साथ में लगानी है और ये भी साथ में लगाना है, जिसमें जो प्रॉब्लम है आपने वही चीज़ करनी है। तो सर्वाइकल कॉलर लगाया जाता है पेशेंट को झटका ना लगे, उसकी जो पेन है वो थोड़ी सी सबसाइड हो जाए, और रेस्ट में जितना रहेगा उतनी जो डिस्क है वो धीरे धीरे अपनी जो है जगह पे वापस जाएगी, नहीं भी जाएगी तो डीजनरेट जो है वो प्रॉपर हो जाएगी। सेकंड इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है इसमें मेडिसिन। काफ़ी लोग कहते हैं कि हमें मेडिसिन दी गई है, वो आपने ज़रूर खानी है, नर्व टॉनिक दिया जाता है इसमें, प्रीगाबलिन, गाबापेंटिन, इस तरह की मेडिसिन चलती है नर्व्स के लिए, वो आप ज़रूर खाइए। कई केसेस में स्टीरॉयड दिया जाता है इन्फ्लामेशन रिड्यूस करने के लिए, क्योंकि पेन इसका इतना सीवियर होता है कि पेशेंट रेस्ट पे रहता है और उसको नींद भी नहीं आती, रात को सोना भी इतना मुश्किल हो जाता है, इतना सीवियर आर्म में पेन रहता है, तो पेशेंट को रात भी बैठ के बितानी पड़ती है एक फिक्स पोजीशन में।
तो जिनको ये प्रॉब्लम होती है और बैठना मुश्किल होता है उनके लिए एक स्पेशल मल्टीपर्पज़ बैक सपोर्ट पिलो है, जिसमें वो इजीली हमारी जो नेक है उसको स्टेबल करके इजीली अपनी बैक पोस्चर को अच्छा रख के बैठ सकते हैं। उसको ऑर्डर करने के लिए हम नीचे लिखे नंबर पर जाके व्हाट्सएप मैसेज करके ऑर्डर कर सकते हैं, या हमारी वेबसाइट sukoonphysicaltherapy.com पे जाके भी उसको ऑर्डर कर सकते हैं। लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में होगा कि उसको किस तरह से यूज़ किया जाता है। तो बैक और नेक दोनों में काम आती है जब रात को नींद ना आए। तो इसमें जब आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है, धीरे धीरे सर्वाइकल पिलो के बारे में भी बताया जाएगा, वो भी आप वहाँ पे ऑर्डर कर सकते हैं। दो तरह के पिलो हैं, एक हाइट एडजस्टेबल पिलो, एक थ्री कर्व सर्वाइकल पिलो, दोनों में वो काम आते हैं। सेकंड इसका इंपॉर्टेंट आता है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज तब करनी है जब इन्फ्लामेशन काफ़ी हद तक कम हो गई है। इमीडिएटली जाके आपने ट्रैक्शन नहीं लगवानी है, क्योंकि एक्यूट केस है, ट्रैक्शन लगाने से वो जो डिस्क का मटेरियल है वो और बाहर आ जाएगा, तो आपको जो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। अगर जो डीजनरेशन हो रही है, इसमें सबसे अच्छी एक्सरसाइज होती है नेक आइसोमेट्रिक, जिसमें मैं आपको बताता हूँ सीधा लेके लेट के चिन को टक इन करके सिर से पिलो प्रेस करना, ये सबसे अच्छी एक्सरसाइज है। तो ये सिंपल सी एक्सरसाइज कर सकते हैं और धीरे धीरे हम जो है फिजियोथेरेपी के लिए जा सकते हैं। फिजियोथेरेपी में अल्ट्रासाउंड थेरेपी काम आती है, टेंस थेरेपी काफ़ी काम आती है जो पेन को कम करती है। और जिस तरह से हम बैक पेन के लिए 3-4 दिन रेस्ट लेते हैं, उसी तरह से हमें सर्वाइकल पेन के लिए, सर्वाइकल डिस्क बल्ज के लिए भी रेस्ट लेना पड़ेगा। क्योंकि जैसे जैसे रेस्ट लेंगे तो डिस्क का मटेरियल है, न्यूक्लियस जो है वो अपना जो वाटर स्क्वीज आउट हुआ है उसको स्क्वीज इन दोबारा करेगा, जिससे हमारी डिस्क जो है वो धीरे धीरे ठीक होनी शुरू हो जाएगी। तो बाकी इसमें ऑइंटमेंट की बात आती है, तो पेन रिलीफ जेल के लिए भी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है कि हम नेक के लिए, शोल्डर, किसी भी जॉइंट पेन, मस्कुलर पेन के लिए ये वाला पेन जेल यूज़ कर सकते हैं। इसको भी आप ऑर्डर कर सकते हैं नीचे लिखे नंबर पे जाके। अब मेन इंपॉर्टेंट चीज़ आती है एक्सरसाइज, वो मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में हम कौन कौन सी एक्सरसाइज कर सकते हैं जो हमारी सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी इसको बोलते हैं। रेडिकुलोपैथी के लिए एक वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। फर्दर इसमें और एडिशन हम क्या कर सकते हैं, एक्सरसाइज कौन कौन सी कर सकते हैं स्पेशली सर्वाइकल डिस्क बल्ज के लिए, उसका वीडियो मैं नेक्स्ट पार्ट में आपको बताऊंगा। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सबके साथ शेयर कीजिए जिनको भी नेक की पेन है या उनको लगता है सर्वाइकल की प्रॉब्लम है, उनके साथ शेयर कीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि इसका एक भी वीडियो मिस करने वाला नहीं है। और लंबर स्पाइन के रिलेटेड, लंबर डिस्क बल्ज के लिए रिलेटेड जितने भी वीडियोज़ हैं उसकी प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ जाके आप उसको देख सकते हैं। Have a nice day. Take care of yourself.